जरीन खान का पेट देखकर लोग बोले उल्टी हो जाएगी, एक प्रेस ने हेटर्स को दिया करारा जवाब। बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान ने आज फिल्म जगत में अपनी मेहनत से एक अलग मुकाम हासिल किया है। जरीन ने कई किलो वजन कम कर अपने आप को फिट बना लिया है, लेकिन हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक फोटो शेयर किया था, जिसे देखने के बाद कई लोगों ने उनको बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया था, जिसका जरीन खान ने हाल ही में करारा जवाब दिया है। बता दें कि अभिनेत्री जरीन इन दिनों उदयपुर में हैं और जहां से उन्होंने एक के बाद एक अपनी दो तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में जरीन का पेट इस तरह दिखाई दे रहा था, जिस पर लोगों ने कई कमेंट्स कर उन्हें बॉडी शेमिंग का शिकार बनाना चाहा। लेकिन जरीन ने इन ट्रोलर्स को करारा जवाब देकर उनका मुंह बंद कर दिया। अभिनेत्री जरीन ने फोटो पर भद्दे कमेंट्स करने वाले यूजर्स का स्क्रीनशॉट लेकर अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर कर दिया, जिसमें लोगों ने उनके पेट का मजाक उड़ाया था। किसी ने स्ट्रेच मार्क्स बताया तो किसी ने लिखा था कि पेट देखकर उल्टी हो जाएगी। साथ ही इस बीच कुछ लोगों ने यह भी लिखा था कि वजन कम करने के बाद बॉडी के साथ ऐसा होता है। बता दें कि स्क्रीनशॉट्स शेयर करने के बाद जरीन ने कहा, जो लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि मेरे पेट में क्या गड़बड़ है, तो यह किसी आदमी का सामान्य पेट है जिसने अपना वजन 15 किलो कम किया है। अगर फोटोशॉप नहीं किया जाए या सर्जरी करवा कर ठीक नहीं किया जाए तो उस व्यक्ति की फोटो में उसका पेट ऐसा ही दिखेगा। उन्होंने कहा, मैं उन लोगों में हूँ जो वास्तविक दिखना चाहते हैं और अपनी खामियों को गर्व के साथ स्वीकार करते हैं। फिल्मों की बात करें तो अभिनेत्री जल्द फिल्म हम भी अकेले तुम भी अकेले में नजर आने वाली है। यह दो अलग किस्म के लोगों की कहानी है जो एक दूसरे से मिलते हैं और उनमें रिश्ता कायम होता है। ये फिल्म 14 फरवरी 2020 को रिलीज की जाएगी। बता दें कि जरीन उदयपुर में अंशुमन झक के साथ रोमकुम हम भी अकेले तुम भी अकेले का आखिरी शेड्यूल शूट करने दोबारा पहुंची हैं। हरीश व्यास निर्देशित इस फिल्म की शूटिंग काफी कानूनी लड़ाई के बाद दोबारा शेड्यूल की गई है। फिल्म की शूटिंग कुछ महीने पहले हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई थी, लेकिन इसके डीओपी और कैमरा सप्लायर ने 3 दिनों की शूटिंग फुटेज खो दिए थे, जिसकी शिकायत उस समय दिंडोशी पुलिस स्टेशन में की गई थी।